ऐसा जो प्रधानमंत्री जो हमारे आपके बीच में आया है, ऐसा ये 30 साल पहले ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए था। ये हमारे आपकी दुर्भाग्य की बात है जो अब मिल गया है। देर से है, दुरुस्त है। ऐसा प्रधानमंत्री जो 56 इनका सीना, वाकई में 56 इनका जो मोदी है, मुमकिन है। हर एक काम को जो है नामुमकिन को मुमकिन करके बताया है इन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ से मुसलमान को बड़ा दूर रखा है। क्यों दूर रखा है? क्योंकि अगर इसके पास शिक्षा आ गई तो ये नौकरी भी मांगेगा, घर, जल, पानी, लाइट, सब कुछ चीज़ का सवाल करेगा। तो बात तो सही है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए नरेंद्र मोदी जी, तो सबसे पहले 2014 में मुसलमान समाज के यहाँ पहुँचाया, कहने तू शिक्षा को प्राप्त कर, नौकरी में दूंगा। मोदी का काम अच्छा लगा, मुसलमानों सब कुछ दिया है। मुसलमानों को इससे जुड़ना चाहिए, लेकिन आम जनता को भी चाहिए अपना भेदभाव मुसलमानों के साथ अच्छा रखें, भेदभाव ना करें और भड़काऊ भाषण ना दें, मुसलमानों को जोड़ने का काम करें। जनता भी कम जोड़ती है, लेकिन मोदी ज़्यादा जोड़ते हैं मुसलमानों को। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मन में छवि आती है कि यात्रा निकाल रहे, कौन से भारत को जोड़ रहे, समाज को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्या दिया है उन्होंने मुसलमान को, कौन से समाज को जोड़ रहे हैं? और 60 साल से पहले मुसलमान को क्या दिया, इस चीज़ से दूर रखा कांग्रेस ने। इस मुसलमान के पास शिक्षा आ गई तो ये नौकरी का सवाल करेगा। कांग्रेस सबसे ज्यादा उत्पीड़न मुसलमानों को करा, धोखा दिया मुसलमानों के साथ हुआ, और मुसलमानों को डरा डरा रखा गया। मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए, दिल खोल के बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ आना चाहिए। हम सब मुस्लिम समाज के लोग प्रचंड बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर आएंगे। लेकिन राहुल गांधी तो बोलते हैं कि बीजेपी जो है खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। ऐसा जो प्रधानमंत्री जो हमारे आपके बीच में आया है, ऐसा ये 30 साल पहले ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए था। ये हमारे आपकी दुर्भाग्य की बात है जो अब मिल गया है। देर से है, दुरुस्त है। ऐसा प्रधानमंत्री जो 56 इनका सीना, वाकई में 56 इनका जो मोदी है, मुमकिन है। हर एक काम को जो है नामुमकिन को मुमकिन करके बताया है इन्होंने। राहुल गांधी बोलते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो अपने आप को यहाँ इंडिया में बहुत अनसेफ फील करता है, क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा नहीं है। मैं बालकाल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, और जब 2 सीटें आया करती, जबकि इन्होंने संसद के अंदर हंसी भी हमारी बनाई थी कि हम दो हमारे दो, जब से हम लोग जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम का कर रहे हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दिया है, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। तमाम तर योजनाएँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, ठीक है, और उज्ज्वला योजना, जितनी भी मुस्लिम समाज को मिली हैं, किसी को नहीं मिली, किस समाज को भी नहीं मिली, मिले हैं बहुत सारे। और बोला कि आप 2024 में मोदी जी को जिताएंगे, आखिरकार क्यों, क्या क्या काम पसंद है आपको उनके? सारे के सारे जितने भी योजना है ना, जमीन के ऊपर आई है। पहले तो ऊपर कागजों में चला करती थी, अब जमीन के ऊपर हैं। सीधा माननीय प्रधानमंत्री ने सीधा खाते में पैसे लाभकारी के दिए हैं, डायरेक्ट उसके हाथ में आए कि मुझे इतने पैसे मिले, उसे दिखाई दिया। पहले यही बताया कितने ही आते हैं पैसे। माननीय प्रधानमंत्री ने हर एक व्यक्ति की, हर एक नागरिक की, हर एक जनता की, हर एक लाभकारी की आँखें खोल दी हैं कि जो है पूरे पूरे पैसे। पहले जो ना ऊपर से जो पैसे चलते थे 10 पैसे आते थे, अब तो पूरे पूरे पैसे आ रहे हैं, ये जनता जान चुकी है। और 2024 के अंदर ये जब प्रचंड बहुमत हम लोगों की आएगी, तो क्या लगता है ये जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव है। अपना काम अपना कर रहे हैं सब, अपना नेतृत्व चमकाना चाह रहे हैं, पर जो जनता जान चुकी है, जमीनी स्तर पर जो काम किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, वो किसी प्रधानमंत्री ने किया है। खास तौर से मैं आपको बता दूं चैनल के माध्यम से कि जो है सबसे ज़्यादा जो ना मुस्लिम समाज का काम हुआ है, कि हमें बताया गया कि मुस्लिम समाज को बताया गया सब तमाम तर पार्टियों ने कि बीजेपी आ जाएगी तुम्हें खा जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तुम्हें जो ना यहाँ से बाहर कर देगी, बीजेपी आ जाएगी, तमाम तर बातें अफवाहें फैलाई। पर जो है 2024-2014 के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री आए, तो सबसे पहले हज यात्रा जो ना उन्होंने 1 लाख की, 2 लाख की, और माननीय सुषमा स्वराज विदेश मंत्रालय उनके माध्यम से हमें और आपको सऊदी अरब के अंदर होटल हिंदुस्तान के नाम से जो है बनाए गए, इससे पहले नहीं बनाए गए। और उनके नेतृत्व में सऊदी अरब के अंदर मंदिर निर्माण हुआ है उनके नेतृत्व में, यानी जो भी है मुमकिन है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया उन्होंने। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूँगी एक और, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या बीजेपी पार्टी खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? देखिए, बीजेपी ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कही। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान जाग चुका है, शिक्षित हो चुका है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ से मुसलमान को बड़ा दूर रखा है। क्यों दूर रखा है? क्योंकि अगर इसके पास शिक्षा आ गई तो ये नौकरी भी मांगेगा, घर, जल, पानी, लाइट, सब कुछ चीज़ का सवाल करेगा। तो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए नरेंद्र मोदी जी, तो सबसे पहले 2014 में मुसलमान समाज के यहाँ पहुँचाया, कहने तू शिक्षा को प्राप्त कर, नौकरी में दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री की
कार्यकाल में आज मुसलमान सेपरेट है। अगर सबसे ज़्यादा रोजगार मिला है मुसलमान को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। सबसे पहले जल देने का काम किया, लाइट पानी घर रोड देने का काम किया है। पहले किसान परेशान था, आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देखिए, पहले किसान पहुँचा चढ़ा के चलता था, आज पहुँचा नीचे करके चलता है, रोड पर कहीं गारा ही नहीं है। तो देश बड़ा अच्छी दिशा में जा रहा है। और ये ओवैसी साहब है मुसलमान के नेता नहीं है। अभी कह रहे थे मोहन भागवत जी आप कौन है, अरे मोहन भागवत जी मुसलमान के हित की बात करते हैं, उनके फेवर की बात करते हैं, शुरू से उनके साथ रहे। बजरंग दल हो, शिवसेना हो, कभी इन्होंने हिंसा की बात नहीं की है। इन्होंने देश को सबका साथ सबका विकास सबको साथ ले आने की बात की है। और आज देश का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है हमें कहाँ शिक्षा मिलेगी, कहाँ हमारा रोजगार विकास मिलेगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पक्ष जो लगातार कह रहा है कि मोदी जी जो भी फैसले लेते हैं, जो जो एक विशेष समुदाय उसको टारगेट करने में लगे रहते हैं, क्या ऐसा है, क्या आप लोगों को लगता है कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गुमराह करने वाले लोग हैं, जितने भी दल है ये सब मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, गुमराह करने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश की एकता की बात कभी नहीं करते, शिक्षा की बात कभी नहीं करते। ये लोग देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर किया तो उन्होंने देश को जागरूक किया है, शिक्षा दी है, देश का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है, जान चुका है। अगर तुम्हारी कामयाबी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और 2024 में देश का मुसलमान फुल बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आकर और जिता के संसद भेजने का काम करेगा। अच्छा, राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, क्या मन में छवि है कि यात्रा निकाल रहे, कौन से भारत को जोड़ रहे, समाज को क्यों नहीं जोड़ रहे हमें, क्या दिया है उन्होंने मुसलमान को, कौन से समाज को जोड़ रहे हैं? और 60 साल से पहले मुसलमान को क्या दिया, इस चीज़ से दूर रखा कांग्रेस ने। इस मुसलमान के पास शिक्षा आ गई तो ये नौकरी का सवाल करेगा, ये रोजगार की बात करेगा, ये घर की बात करेगा, ये अपने सारे अधिकार मांगेगा। तो कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ से मुसलमान को दूर रखा है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो 2014 में एक मुस्लिम समाज के जितने युवा यंग लड़के थे सबसे पहले ये देने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं आपको रोकना चाहूँगी, हमारे साथ पीछे सर, क्या नाम? मेरा नाम जायद खान है। सर आपको क्या लगता है 2024 में कौन बन सकता है प्रधान? 24 में देखो जनता सबको जान रही है, 70 साल 65 साल उन्हें देखा, अब इन्हें देख रही है, तो जनता अपने आप निर्णय ले लेगी। मोदी का काम अच्छा लगा, मुसलमानों को सब कुछ दिया है, मुसलमानों को इससे जुड़ना चाहिए, लेकिन आम जनता को भी चाहिए अपना भेदभाव मुसलमानों के साथ अच्छा रखें, भेदभाव ना करें और भड़काऊ भाषण ना दें, मुसलमानों को जोड़ने का काम करें। जनता भी कम जोड़ती है लेकिन मोदी ज़्यादा जोड़ते हैं मुसलमानों। राहुल गांधी बोलते हैं, नहीं आपने बात करी कि एकजुट रखने के लिए, राहुल गांधी बोलते हैं कि खाली तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। राजनीति की बात है, वो जोड़ते हैं, उनके 70-65 साल देख तो लिया मुसलमानों ने, मुसलमानों से जुड़ना चाहिए, मुसलमानों को इसमें आना चाहिए पार्टी। इससे 70 साल 65 साल कांग्रेस को देख लिया, कांग्रेस सबसे ज़्यादा उत्पीड़न मुसलमानों को करा, धोखा दिया मुसलमानों के साथ हुआ, और मुसलमानों को डरा डरा रखा गया, मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए, दिल खोल के बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ आना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी दोबारा वर्चस्व में नहीं आ? हमें तो लगता नहीं, लेकिन वैसे आम जनता हमें लगता नहीं कैसा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे समय तो अपना अपना, पहले रथ यात्रा हम लोगों ने तो निकाली थी भाई, रथ यात्रा हम लोगों ने तो निकाली, तो अपना अपना है निकाल रहे हैं, तो अपना निकाल रहे हैं, वो तो अपनी जगह रहेगी, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 24। हमें तो नहीं समझ में आता, हमारी समझ नहीं आता, हमारा अखंड भारत है, अपने जनता ने देख लिया कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिला और मिल गया, लेकिन आम जनता हमारी जो हिंदू समाज है उसको चाहिए मुसलमानों को जोड़े, प्यार से पकड़े, छोटे छोटे जमीनी नेताओं को चाहिए मुसलमानों को पकड़े, मुसलमानों के साथ भेदभाव न करें, जो मीटिंगों में आए उनको बढ़ावा दें, पदों में बढ़ावा दें, टिकट उनको दें, आगे लड़ाएं बढ़ाएं, जहां मुसलमानी एरिया है वहां तो उनको टिकट दें, एमपी दें, एमएलए टिकट दें, ये काम सरकार को हमारी करना चाहिए। सर आपको क्या लगता है 2024 में कौन जीत सकता है इस बार? मोदी जी के अलावा है कौन? बाकी तो सब पारिवारिक पार्टियाँ हैं, ये सब जितने भी हैं ये सारे परिवारों के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में सोचते हैं, इनको देश के बारे में सोचने की कोई फुर्सत नहीं है। ये सारे अपॉर्चुनिस्ट स्वार्थी लोग हैं और इनको देश के बारे में कोई सोचने की वो नहीं है, और आम जनता जो है वो देश के बारे में, देश की सुख समृद्धि और अपनी सुख समृद्धि के बारे में सोचती है। तो मोदी जी या भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कि पारिवारिक पार्टी नहीं है, जो कि